वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज आप सबको करवाई थी। तो आज हम इस चैप्टर के, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट जो टाइप है वो है शॉर्ट आंसर टाइप्स। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेटा आपने ना यूज़ बताना है। एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या है ये? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है जिसकी कम्बिनेशन रो एंड कॉलम में होती है। इट्स हेल्प्स इन कैलकुलेशन एंड एनालाइज डाटा बाय यूजिंग टेबल्स एंड फॉर्मूलाज। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो और डाटा को एनालाइज कर सकते हो। डाटा को कैसे एनालाइज करोगे? टेबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में। वर्कबुक क्या होती है? अ वर्कबुक इज़ अ फाइल। क्या है ये? एक फाइल है दैट कंटेनिंग वन और मोर वर्कशीट्स, जो एक से ज़्यादा वर्कशीट से क्या होती है, कंटेन्स होती हैं। टू हेल्प टू ऑर्गेनाइज डाटा, जो आपकी क्या करती है, हेल्प करती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने में। वर्कशीट क्या होती है? द टर्म वर्कशीट यूज़ इन द एक्सेल, जो एक्सेल के अंदर जो टर्म है वर्कशीट, इसका यूज़ किया जाता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स इज़ अ कैलकुलेशन कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। मतलब जो वर्कशीट है ना बेटा, एक एक्सेल का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको, जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कलेक्शन होता है सेल्स का। जो आपकी सेल्स होती है वो कैसे बनती हैं? आपके रो और कॉलम को मनाकर आपकी सेल बनती हैं। जो सेल्स को आप इकट्ठा कर देते हो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसको एक्सेल के टर्म में बोला जाता है वर्कशीट। ये थे बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा यू कैन एंटर इन अ वर्कशीट? एक वर्कशीट के अंदर कितने टाइप्स का डाटा आप एंटर करा सकते हो, आपने ये बताना है। थ्री टाइप्स ऑफ डाटा, तीन टाइप्स का डाटा आप एंटर करा सकते हो, कैन बी एंटर इन अ वर्कशीट। फर्स्ट है नंबर्स। नंबर्स कौन से होती हैं? 1 to 0 या 1 to 10। टेक्स्ट किसी का नेम, किसी का कोई लेटर्स, अल्फ़ाबेट, एक्स्ट्रा। फॉर्मूला आपने कोई एंटर कराना है, सम का, माइनस का, डिवाइड का, एक्स्ट्रा, वो चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला ये बताया हुआ है, हाउ कैन यू क्रिएट अ वर्कशीट, सॉरी वर्कबुक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपने क्लिक करना है फाइल टैब पर, उसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पर। न्यू ऑप्शन क्यों? क्योंकि आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है या फिर न्यू वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है ब्लैंक वर्कबुक को फ्रॉम डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में से ब्लैंक वर्कबुक को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करते हो तो न्यू ब्लैंक वर्कशीट या वर्कबुक आपके सामने क्या होगी, अपेयर हो जाएगी। ये थे बेटा, बताया गया है इसके अंदर कि एक वर्कबुक को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेल? सेल से आप क्या समझते हो? हाउ यू डू क्रिएट अ सेल एड्रेस, एक सेल का एड्रेस आप कैसे क्रिएट करोगे? सेल, अ सेल इज़ अ बॉक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ रो एंड अ कॉलम इन अ वर्कशीट। सेल किससे बनकर मिलती है? एक बॉक्स होता है। बॉक्स कैसा होता है? ऐसा बॉक्स होता है। ये बनता कब है? ये होगी आपकी रो और ये होगी आपकी कॉलम्स। जब आप रो और कॉलम को आपस में मिला देते हो, ये यहाँ पर जो ये चीज़ नज़र आ रही है बॉक्स है, इस बॉक्स को नाम दिया है बेटा सेल का। ठीक है, अब कहता है कि एक सेल का एड्रेस आप कैसे राइट करोगे, ये बताना है। ईच सेल एड्रेस कंटेन वन और मोर लेटर्स, जो एक सेल का एड्रेस होता है, ये जो सेल एड्रेस है वो कंटेन होता है वन और मोर लेटर, यानी एक और एक से ज़्यादा लेटर्स होते हैं। फॉलो बाय द नंबर, यानी कि नंबर्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है A10, जो कि A लेटर है वो नंबर को फॉलो कर रहा है।
द लेटर, जो लेटर है वो आइडेंटिफाई करता है कॉलम्स, दैट मीन्स ये कॉलम्स होती हैं, और जो आपका नंबर होता है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी रो, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है और टेंथ कौन सी है रो। ये हो गया एक सेल का एड्रेस कैसे आप क्रिएट करोगे या ट्राइट करोगे। अब बात करते हैं हाउ कैन यू सेव एक एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको कैसे सेव करोगे, वर्कबुक को कैसे सेव करोगे, ये बताना है। सबसे पहले वही है कि फाइल टैब पे आपने जाना है, फाइल टैब के बाद क्लिक करना है सेव हैज पर, क्योंकि आपको सेव करना है इसलिए सेव हैज ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया। टाइप टू क्या कहती है, टाइप द नेम ऑफ अ वर्कबुक, वर्कबुक का आपने नेम टाइप करना है इन द फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स आएगा उसके अंदर फाइल का नाम आपने लिखना है, इन डायरेक्टली उसको टाइप करना है। टाइप के बाद थर्ड को टाइप के बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे आपने क्लिक कर दिया, फाइल नेम लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस एक्स, इस एक्सटेंशन के साथ आपकी जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। ये थे बेटा चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर, तो आपने क्या करना है, इनको हैज़ यूजुअल लर्न करना है और अपने फेयर नोटबुक पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।